सत श्री अकाल, नमस्ते आप सभी भाइयों को। भाइयों, मैं अपनी कंपनी आ चुका हूँ, तो सामने मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, गाड़ी की चाबी। गाड़ी जा रही है मेरी सर्विसिंग पे, मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर सर्विसिंग मैकेनिक को देने के लिए। कहाँ है मैकेनिक भाई? मैकेनिक कहाँ है? यार भाई, ये देखो ये लिखा हुआ सर्विस। और हम आपको अपनी कंपनी घुमा देते हैं थोड़ी सी। ये भाई मेन बिल्डिंग हमारे कंपनी की, सामने से एंट्री है जिधर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इधर ऑफिस वगैरह है। ये ऑफिस की बिल्डिंग है, सारे इधर बैठते हैं। और जो सामने खिड़कियाँ दिख रही हैं, उधर COVID-19 की क्लास चलती है। सामने ट्रक पार्किंग है, उधर ये कार पार्किंग है ऑफिस की, और सामने वर्कशॉप है, फोर ट्रक का शोरूम है कंपनी के पास, फोर ट्रक की एजेंसी भी है। भाई कॉफ़ी पियेंगे आके, पहले वॉशरूम चलते हैं, थोड़ा पगड़ी पगड़ी सही करते हैं। भाई पगड़ी तो ठीक है, क्योंकि मैं ट्रक के शीशे में बांधता हूँ, उसमें सही नहीं दिखता है। पूरी ठीक है भाई। भाई ये कॉफ़ी पी लेते हैं, लेकिन पैसे की आया मैं अपने कार्ड से। एक भाई कॉफ़ी पियेंगे, अभी कोई एम्प्लॉय नहीं आया है। भाई वो इंडिया से नए ड्राइवर आए हैं, इनसे मुलाकात हुई आज ऑफिस में। ये भाई साहब पंजाब से हैं, दूसरे वाले भी पंजाब से ही हैं। इनका नाम रंजीत सिंह, अजमेर सिंह रंजीत सिंह। तो ये भी अपनी वीडियोस वगैरह जो इंडिया में देखते थे, इनसे मिलके बहुत खुशी हुई। ये भी इनका TRC वगैरह का भी प्रोसेस चल रहा है, अभी बिल्कुल नए नए आए हैं, इनको भी आए को 1.5 महीना हुआ है। मेरी ट्रक की सर्विस नहीं हो पाई है और मैं अभी सिंगल ड्राइवर पर चल रहा हूँ, तो मेरे ड्राइविंग आवर्स भी लगभग 12 घंटे बचे हैं। तो अभी शनिवार इतवार तक मेरे को दे दिया गया है रेस्ट, मैं जा रहा हूँ होटल के रूम पे, और मेरी गाड़ी किसी और ड्राइवर को दी जाएगी, मुझे दूसरी गाड़ी दी जाएगी। तो चलो अब देखते हैं, पहले गाड़ी से पूरा सामान निकालना पड़ेगा, मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी मेरा टैकोग्राफ जो कार्ड होता है वो लोड हो रहा है अंदर ऑफिस में, तो लोड कर लेते हैं, किसी का चेक करते हैं कि भाई इसने सही गाड़ी चलाई है नहीं चलाई है। वैसे मेरा तो चेक हो गया है, सब कुछ ओके है, लेकिन अब उसका डाटा लोड कर रहे हैं अपने पास, शायद किसी को दिखाने के लिए या फिर अपने सेव करते होंगे। सबका नहीं करते हैं, किसी का करते हैं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने टेकोग्राफ कार्ड के, उसके बाद मैं जाऊँगा वर्कशॉप में, मैकेनिक से गाड़ी की चाबी लूँगा, गाड़ी से सारा सामान निकालूँगा। ठीक है, वो सामान कुछ सामान तो मैं यहीं कंपनी में रख जाऊँगा, एक जगह है यहाँ पर सामान रखने की, और ज़रूरत का एक दो जोड़ी अपने साथ सामान लेके जाऊंगा खाने पीने का, जितनी ज़रूरत है उतने सामान लेके जाऊंगा। हो सकता है मुझे दो तीन दिन रहना पड़ेगा, अब दो तीन दिन का खर्चा मुझे अपने जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम गाड़ी पे हैं तब तक हमको सैलरी मिलती है, अगर हम गाड़ी पे नहीं हैं तो भाई उसकी सैलरी नहीं मिलती।
टिल बिफोर सम लिटिल टाइम। ओ गुरजीत भैया लिटिल टाइम की कर रहे हो, की कर रहे हो? चाओ भी नीचे पालो कर भाइयो, कैसे हो? बर्फ पड़ रही है भाई। एक्चुअली में जो नए ड्राइवर आए हैं उनको जीपीएस दिलवाने जा रहे हैं। जीपीएस हमारी कंपनी में खुद ही लेना पड़ता है भाई, अब क्या करें, लेना पड़ेगा। तो एक बंदा है यहाँ पे, उसको फ़ोन करके बुलाया जाता है, वो पेट्रोल पंप पे आता है, हमको वहीं जीपीएस वगैरह दे जाता है। तो हम सब पुराने ड्राइवरों ने उसी से लिए थे, तो मुझे अभी अपना जो जीपीएस है उसको अपडेट करवाना है। तो देखते हैं, अगर मेरा मूड बना तो उसको मैं अपडेट करवाऊंगा, और अपने साथ के जो दो भाई हैं इनको नेविगेटर लेना है वहाँ से जीपीएस, तो वो ले लेंगे। अभी जा रहे हैं, लेकिन यार लातविया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है इस समय। कल जब मैं अभी आया था +3 टेम्परेचर था और बर्फ़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ बारिश पड़ी थी जिससे कि पूरी बर्फ़ पिघल चुकी थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। देखिए अगर रेगुलर इस तरीके से बर्फ़ पड़ती रही तो इसकी लेयर और ऊपर ऊपर होती चली जाएगी। टेम्परेचर तो खैर अभी नहीं पता कितना है, और मैं ग्लव्स लाना भूल गया हूँ भाई, और हाथ जम रहे हैं। मैंने अपनी डिवाइस जो अपडेट करवा लिया, तो मैं 6 महीने हो गए थे मेरे को, मैंने अपडेट नहीं कराई थी, तो अभी मैंने इसको अपडेट करवाया है। तो उसमें जो जितनी भी 6 महीने में नई रोड बनी है वो सब अपडेट हो जाती है। ये देख लो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है भैया। आज शनिवार है, बस स्टैंड पे आ चुका हूँ, मेरे को प्लान मिल चुका है, अभी मैं कंपनी में जा रहा हूँ। कंपनी से मेरे को 8 बजे निकलना है, तो अभी बज रहे हैं 3-4 बजे, यहाँ पे गाड़ी आएगी, बस 3 नहीं 4 होने वाला है। अभी 4 बजे का टाइम है, लेकिन बस थोड़ी आधा घंटा लेट है। बस में जाएंगे, 1 घंटा लगेगा कंपनी पहुंचने में, और फिर वहां से गाड़ी और ट्रेलर उठाएंगे। सामान अपना पूरा कंप्लीट है, भाई अभी अभी बस से उतरा हूँ, बहुत ठंड है, कंपनी आ गया हूँ, अभी जाके गाड़ी उठाते हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी है, फोर्ड है कौन सी है। ये अपनी गाड़ी मिल गई है, ये सामने फोर्ड ये वाली, अभी इसमें ड्राइवर है, वो इस गाड़ी को छोड़ेंगे, इसके डॉक्यूमेंट और जो है वो मैकेनिक को देंगे। इसलिए हम मैकेनिक वाले वहाँ जाके कॉफ़ी ले लेते हैं। चलते हैं बाहर। ओ भाई ट्रेला जोड़ लिया है मैंने, अकेला होने की वजह से वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत है। ट्रेला जोड़ चुका हूँ, अब जाता हूँ मैकेनिक के पास, इसके डॉक्यूमेंट वगैरह लेके निकलते हैं फिर। पोलैंड
बस 1 डिग्री टेम्परेचर है और बर्फ इतनी है नहीं। मौसम बढ़िया हो जाता है पोलैंड से, पोलैंड से जर्मनी, जर्मनी से स्पेन, जर्मनी से फ्रांस, फ्रांस से स्पेन। हो सकता है मुझको जर्मनी से घुसना पड़े नीदरलैंड का थोड़ा सा हिस्सा 30-40 किलोमीटर का, और फिर उसके बाद बेल्जियम, बेल्जियम के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद स्पेन। भाई जर्मनी बॉर्डर पे हूँ, ये देखो ट्रकों की कैसे भीड़ है। जर्मनी में जो है जब हम घुसते हैं तो पुलिस वालों ने रोड सिंगल किया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे 10-20 की स्पीड पे जाना पड़ता है। और ये देखिए जितने भी जर्मनी में घुसने वाले ट्रक हैं, मेरे पीछे भी लाइन लगी हुई है। और ये देखिए आप हाल ट्रैफिक का। भाइयों मैं जर्मनी पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे मेरे को ट्रेलर स्वैप करना है। वो देखिए सामने मेरी गाड़ी खड़ी है फोर्ड, यहाँ पे ट्रेलर स्वैप करना है मेरे को किसी और बंदे के साथ। इस ट्रेलर को लेके मैं स्पेन जा रहा था लेकिन जर्मनी में चेंज करा रहे हैं, क्योंकि मैं सिंगल ड्राइवर हूँ, ज़्यादा लंबा चल नहीं सकता हूँ। तो जो डबल ड्राइवर वाली गाड़ी होगी उसके साथ मैं चेंज करूँगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, वो मेरे को बोल रहे थे कि हम 11-12 किलोमीटर दूर है, लेकिन 11-12 किलोमीटर से तो आदमी बहुत जल्दी आ जाता है, अभी तक तो आए नहीं है। पता नहीं कौन सी पार्किंग में घूम रहे होंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप में जो जितने भी ड्राइवर हैं ना, सब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, इधर उधर के हैं, उन्हें इंग्लिश आती नहीं है, वो रशियन बोलते हैं। बहुत कम है जो इंग्लिश बोल पाते हैं। तो अब जब उन्हें फ़ोन करो भाई कहाँ पहुँच गया, कहाँ पे है, कितना टाइम लगेगा, मैं पहुँच गया हूँ, भाई वो किसी बात का जवाब ही नहीं दे पाते, इतनी सी भी इंग्लिश नहीं आती उनको। तो भाई ये दिक्कत आती है। ये भाई बहुत ही बड़ी पार्किंग है, डिस्पैचर द्वारा इसका कोऑर्डिनेट दिया गया था। ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ऐसी दो लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन उधर ट्रक खड़ी करने की, और आप देख सकते हैं। भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर से मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग में या किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, राम राम, राधे राधे, और बाय बाय, तब रखा।